75वें वर्ष स्वतंत्रता दिवस जो कि अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, इसमें सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, सभी का खून खौल रहा था, और जब हमें आज़ादी मिली जो कि हम सबके लिए बहुत ही महंगी साबित हो रही थी, अभी भी हम उस आज़ादी को याद करके उन जवानों के लिए एक दिन राष्ट्रीय पर्व के रूप में इसीलिए मनाते हैं कि हम उनके बलिदान को याद करते रहें। और यह दिन एक तिरंगे से निकलती हुई आवाज़, भारत माता के कण कण से गूंजता हुआ स्वर हमें संकल्प लेने के लिए कहता है कि हम संकल्प लें कि भारत की एकता, भारत की अखंडता और भारत को आगे विश्व गुरु और इसके विकास के लिए हम अपने तन मन और धन से प्रयास करते रहेंगे। मैं अपने सीमा पर जो हमारे जवान हैं जिनकी वजह से हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हमारे किसान जो हमें अन्न देते हैं, हमारे चौथा स्तंभ मीडिया कर्मी जो हमको हर चीज़ से हमारी अच्छी चीज़ें, हमें क्या सुधार लाना है उसे हमें हर समय सूचित किया करते हैं, उन्हें भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हृदय से इन सभी का आभारी हूं कि इनकी वजह से ही ये भारत उत्तरोत्तर प्रगति पर है। इस साल भारत सरकार ने पूरे साल अमृत महोत्सव के रूप में हर महीने को उनका प्रोटोकॉल आ गया है, उसके हिसाब से हमें विद्यालयों को अपने बच्चों को ये शिक्षित करना है और उनमें मातृभूमि के प्रति प्यार कूट कूट करके भरना है, उन्हें मातृभूमि की रक्षा, अखंडता, एकता और एक अच्छे नागरिक बनने का संदेश हमें विद्यालय की तरफ से, सभी अध्यापकों की तरफ से उन्हें देना है। मैं अपने पूरे विद्यालय परिवार, अपने मैनेजर सर जो सतत प्रयत्नशील रहते हैं और यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे कर्मी हैं, सहकर्मी जो उत्तरोत्तर दिन प्रतिदिन हर तरह से बच्चों के विकास के लिए सोचा करते हैं, उन्हें भी मैं 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पूरे आगंतुक जो कल 15 अगस्त के दिन हमारे यहां पर सब उपस्थित हुए थे, बच्चे भी आए थे, उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं।